हाई गाइज, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ इंडिकेटर साइक्लिक लाइंस के बारे में। ये क्या होता है, कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने मार्केट चार्ट पर, कैसे हम ट्रेडिंग फ्लो प्लेटफॉर्म पर हम इनको यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम इनके पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। एंड गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए और वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ फ्री शो शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लॉस कवर अप कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज, क्यूटैक्स पर अगर आप सभी ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, क्यूटैक्स पर अकाउंट क्रिएट करके हमारे ग्रुप को सेशन को फॉलो करके आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वहां से हमारे वीआईपी ग्रुप में भी एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो गाइज वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बात और आप सभी को बताना चाहती हूं कि बहुत जल्द आप सभी के लिए एक बिग सरप्राइज लेकर के आने वाली हूं। बहुत जल्द अभी 2-3 दिनों में आप सभी के बीच एक गिव अवे निकालने वाली हूं, तो गाइज तैयार रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट पर, जहाँ इस वक्त अभी $10,000 का लाइव बैलेंस है हमारे पास, आप सब देख पा रहे हैं। ओके, हमारे क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में। एंड गाइज, आज के इस चार्ट में हम बात करने वाले हैं साइक्लिक लाइंस इंडिकेटर के बारे में, क्या होते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ग्रोअप करने वाले हैं गाइज। एंड ट्रेडिंग के दौरान में हम एक इंडिकेटर जो हमेशा मैं अप्लाई करके रखती हूँ, वो मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है जिगजैग, हमेशा लगा के रखती हूँ, वो मैं यहाँ अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, हमने अपना एक इंडिकेटर लगा लिया है। एंड गाइज, जिस इंडिकेटर की आज हम बात करने वाले हैं वो हमारा है साइक्लिक लाइंस, उनको अप्लाई कर लेते हैं। ओके, आपको ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होंगी। ओके, ये येलो कलर की पीली पीली साइड, इनके बीच का एक गैप भी आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। इनकी खास बात ये रहती है कि इनकी जितनी भी लाइंस रहेंगी वो लाइंस के बीच का जो पैरामीटर होगा, जो गैप होगा, वो इक्वल होगा। मतलब चाहे एक लाइन हो, दो लाइन हो, तीन लाइन हो, या जितनी भी लाइन हो, इनके बीच की लाइन का जो गैप होगा वो पूरा इक्वल होगा। ओके, सब में। तो फर्स्टली हम इनको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको इंडिकेटर को कहाँ से, जहाँ से मुझे एक प्रॉपर एक पैरामीटर नज़र आए, मैं वहाँ से अप्लाई कर लेती हूँ। एंड गाइज, हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ से अप्लाई करके देखती हूँ, ये वाला यहाँ तक। ओके, हाँ ये ठीक रहेगा। ओके गाइज, मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ। एंड इसका रहा ये रेड वाला पैरामीटर। तो गाइज, आप सब देख रहे हैं कि मैंने इन इंडिकेटर को अप्लाई कर लिया है। ओके, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे बीच जो ये यहाँ से मैंने जो पहली लाइन डाली है, यहाँ से मार्केट हमारा जो डाउन फ्लो लिया है, हम अगर इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर कब हमें उनके बीच का एक गैप पूरा पैरामीटर में समझ में आता है कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब अभी देखें, मैं समझाती हूँ। जैसे हमारा एक इसका ये अपर पॉइंट हो गया। ओके, एंड हमारा जो पहली लाइन का पहला पॉइंट है ये रहा, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया। एंड प्रॉपर एक पैरामीटर के बाद, मतलब यहाँ 20-42 से 20-50 तक, यहाँ पर अबव 48 का अबव टाइम रहा होगा, 20.47 का टाइम है। ये देखो, ये एरो दिख रहा है आपको, 20.47 का टाइम है। ओके, एंड गाइज, यहाँ से 20:42 से यहाँ 20:47 तक, 46 मिनट तक हमारा एक मार्केट ने ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन की ओर फ्लो किया। यहाँ से कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद 46 टाइम से अगेन यहाँ 44 टाइम तक अगेन गिरा। एंड 44 टाइम से अगेन यहाँ ये 57 टाइम तक मार्केट गिरा, एक गैप बनाते हुए। पहले रेड में गिरा, देन एक ग्रीन कैंडल बनाई, अगेन जब पैरामीटर में मार्केट आ गया, अगेन इसने डाउन फ्लो लिया, अगेन एक जहाँ पैरामीटर को टच किया, अगेन ग्रीन कैंडल बनी, देन अगेन डाउन। देन यहाँ पर जैसे ही पैरामीटर डिसबैलेंस होता है, ये पैरामीटर अगर यहाँ तक आता तो ऑब्वियसली मार्केट और नीचे जाता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पैरामीटर डिसबैलेंस हुआ है,
यहाँ पर क्रॉस होने की वजह यहाँ पर मार्केट का फ्लो चेंज हुआ है, देन यहाँ से इसने डायरेक्शन अपोजिट की ओर, अपोर्ट की ओर अपना फ्लो ले लिया, यहाँ से कंटिन्यू फ्लो की ओर, यहाँ से ये ऊपर मार्केट चला गया। ओके, तो आपको ये गाइस पैरामीटर समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ने जैसे ही एक पैरामीटर में मार्केट ने फ्लो किया, चलना शुरू किया, मार्केट डायरेक्शन डाउन की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर डिसबैलेंस किया इंडिकेटर को, मार्केट को, देन यहाँ से इसने यहाँ नीचे की जाने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ले लिया, चेंज ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा डिसबैलेंस हो गया। ओके, देन यहाँ के कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे भी पैरामीटर डिसबैलेंस हुआ है, तो यहाँ ट्रेंड ऊपर जाना चाहिए, लेकिन डिसबैलेंस जैसे ही ये पॉइंट हुआ, देन अगेन मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन की ओर फ्लो ले लिया। ओके, अब पैरामीटर यहाँ पर हम अगर बात करें तो अगेन जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी हमारी, छोटी सी ये कैंडल बनी हुई है। ओके, छोटी सी कैंडल आपको दिखाऊं मैं, ये छोटी सी कैंडल बनी हुई है। ओके, देन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है, इसने अगेन डाउन की ओर फ्लो लिया। अगर ये मार्केट यहाँ तक, पैरामीटर यहाँ तक की अगर आता है, तो हमारा यहाँ के बाद और डायरेक्शन नीचे की ओर मार्केट जाएगा, लेकिन अगर ये हमारा उससे पहले किसी पॉइंट पर या फिर उसके बाद किसी पॉइंट पर रुकता है, तो मतलब मार्केट ने डिसबैलेंस किया है, ब्रेकआउट किया है, यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन की ओर जाएगा। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट डाउन डायरेक्शन जाने की बजाय इसने अपोर्ट की ओर चेंजमेंट लिया, अपोर्ट की ओर। ओके, देन यहाँ पर इसने डिसबैलेंस लिया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन की ओर मार्केट ने फ्लो ले लिया। ओके, अब देन इस पैरामीटर में हम देखते हैं कि हमारी जो कैंडल है वो किस पैरामीटर में कहाँ तक जाती है, देन जहाँ पर अगर हमारे इस नेक्स्ट कैंडल येलो तक टच करेगी, तो उसका मतलब हमारा मार्केट अभी और भी डाउन डायरेक्शन की हो जाएगा, लेकिन अगर ये उससे पहले या फिर इसके पैरामीटर के बाद कहीं चेंजमेंट लेती है, ब्रेकआउट नहीं करती है, तो यहाँ से मार्केट हमारा अपोजिट डायरेक्शन की ओर, मतलब अप की ओर चला जाएगा। ओके, देन वेट करते हैं, फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट अभी डाउन की ओर जाएगा, देन मैं यहाँ पर डाउन की ओर ट्रेड लेने वाली हूँ थोड़ा टाइम का वेट करते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास ट्रेड प्रेस करने के लिए 35 सेकंड्स का टाइम है। ओके, वेट करेंगे, 28 सेकंड है। ओके, एंड गाइस इस साइक्लिक इंडिकेटर को अप्लाई करते हुए आपको एक प्रॉपर मार्केट का एक प्रॉपर पैरामीटर मिल जाएगा देखने को। इसके ब्रेकआउट को समझ लेते हैं, इसके प्रॉपर पैरामीटर को समझ लेते हैं, तो आपको ईजिली ट्रेंड समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना, आप ट्रेंड को इजीली समझ पाएंगे। ओके, देन गाइस मैं नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ, एंड मुझे लगता है कि ये फिलहाल अभी डाउन की ओर ही फ्लो लेगा, ब्रेकआउट करता है तो ये अप की ओर जाएगा, है ना। फिलहाल मैं डाउन की ओर 3 ट्रेड प्रेस करती हूँ, वेट करना है कि हमारे ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। ओके, 49 सेकंड्स टाइम है, देखते हैं इस मार्केट का हमारा रिजल्ट क्या रहता है। देन अगर यहाँ से अगर मार्केट अपोर्ट की ओर जाता है, तो मतलब इसने इस लाइन पर नहीं बल्कि इस लाइन पर ब्रेकआउट किया है। ओके, देन अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तो मतलब ये यहाँ तक फिर इस लाइन को क्रॉस करते हुए यहाँ से यहाँ तक करीब ये अपोर्ट की ओर जाएगा। ओके, देन ये मुझे लगता है ये ट्रेड हमारी लॉस जाएगी, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना डबल कर लेते हैं। ओके, $500 इन्वेस्टमेंट में डबल कर लिया है। एंड गाइस नेक्स्ट कैंडल हम अभी प्रेस करेंगे। ओके, 9 सेकंड्स का वेट है हमारे पास, टाइम है, वेट करना है कि हम नेक्स्ट कैंडल किधर प्रेस करने वाले हैं। फिलहाल अपोर्ट की ओर ही मार्केट जाएगा, देन मैं 3 ट्रेड डाल देती हूँ। ओके, वेट करना है कि हमारे इस मार्केट का इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसने इससे पहले या मार्केट यहाँ जाने की बजाय इसने पहले ही ब्रेकआउट किया है, देन ऑब्वियसली ये यहाँ पर हमारे ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ब्रेकआउट को फॉलो करते हुए अपोजिट डायरेक्शन की ओर फ्लो करेगा। ओके, तो ये ऑब्वियसली अप की ओर जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्लोज पॉइंट पर ट्रेड है हमारी, वेट करते हैं, 30 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास, इस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वेट करते हैं। ओके, 25 सेकंड्स हैं। गाइस मैं एक बात हमेशा जो आपको बोलती हूँ कि आपको हमेशा ट्रेड करते समय मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए रखना है। ओके, मनी मैनेजमेंट मतलब अपने टोटल लाइव अकाउंट के बैलेंस का 10% अमाउंट ही आपको ट्रेड करते समय यूज़ करना है। फिलहाल ये ट्रेड हमारी आप देख रहे हैं कि विन हो रही है, है ना, 6 सेकंड्स हमारे पास, 4 3 2 1, देन ये ट्रेड हमारी विन होकर के आ चुकी है। ओके, देन हमारा पिछला लॉस कवर हो चुका है। ओके, देन प्रॉपर हम अगेन पैरामीटर पर आते हैं। ओके,
देन ये हमारे पैरामीटर को टच करते हुए अगेन अब देख रहे हैं, तो ये हमारे इस पैरामीटर को टच कर रही है। ओके, देन यहाँ पर अगर हमारी यहीं पर मार्केट टच करते हुए अगले नेक्स्ट कैंडल यदि डाउन के लिए बनाता है तो मतलब यहाँ से हमारा फ्लो चेंज होगा। ओके, अगर नहीं बनाता है और यहीं इस पैरामीटर को टच करते हुए सीधा आगे की ओर जाता है तो मतलब अभी मार्केट हमारा काफ़ी टाइम के लिए आगे जाएगा। ओके, देन अगेन मैं 20 सेकंड्स के बाद अगेन नेक्स्ट कैंडल में नेक्स्ट ट्रेड में प्रेस करने वाली हूँ, वेट करना है। ओके, देन 15 सेकंड्स है हमारे पास, वेट करना है। इसमें पैरामीटर को प्रॉपर सेट कर लेती हूँ अगेन। ये हमारा रेड पर था, यहाँ रेड कैंडल ख़त्म हुई, देन यहाँ से देन अगेन हमारी यहाँ रेड खत्म हुई, देन अगेन हमारी ग्रीन शुरू हुई, देन अगेन यहाँ से पैरामीटर टच करते हुए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ से टच करते हुए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पहले ब्रेकआउट हुआ, देन डाउन की ओर मार्केट गया। ओके, देन अगेन देख रहे मैंने कहा था अगर रेड कैंडल बनाती है तो मतलब यहाँ से मार्केट हमारा फ्लो करेगा। ओके, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ अगेन पैरामीटर को टच करते हुए मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल दे दी है। ओके, मतलब एक्यूरेट हमारा जो चेंजमेंट यहाँ पर आया है वो हमारे प्रॉपर पैरामीटर पर ही आया हुआ है। ओके, तो अभी देख रहे हैं फिलहाल हमारे पास 26 सेकंड्स का टाइम है, वेट करेंगे हम नेक्स्ट कैंडल प्रेस करने के लिए। ओके, 90 सेकंड्स हमारे पास हैं, वेट करना है थोड़ा सा। एंड गाइस 30 सेकंड्स, एंड अगेन मैं इसको अप की ओर मैं प्रेस कर देती हूँ, थोड़ा सा वेट करना है, वेट कर सकते हैं हम। 4, 3, 2, 1, देन मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ। मैंने 5 ट्रेड प्रेस कर दी है। ओके, देखते हैं इस ट्रेड का हमें रिजल्ट देखने को क्या मिलता है। फिलहाल अपने हमने इंडिकेटर को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्रेस कर दी है। ओके, 46 का हमारे पास टाइम है, वेट करना है हमें इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हुए। फिलहाल हमें विन ही देखने को मिलना चाहिए, बाकी वेट करते हैं। हमारे पास सेकेंड्स 15 बाकी हैं, 15 सेकेंड्स हमारे पास। ओके, एंड गाइस अगेन ये हमारी 7 सेकेंड्स हैं, 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, देन हमारी ये ट्रेड गाइस प्रॉफिट आ चुकी है। ओके, देन ये ट्रेड हमें प्रॉफिट हो चुकी है। ओके, देन गाइस आप सब देख पा रहे हैं इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हुए मैंने किस तरह से विनिंग निकाली है। एंड आपको ये प्रॉपर पैरामीटर अभी भी देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसने प्रॉपर रेड कैंडल दी, अगेन यहाँ से पैरामीटर को टच करते हुए अगेन डाउन कैंडल दी, अगेन ग्रीन कैंडल बनी पैरामीटर पर टच करते हुए, देन अगेन डाउन की ओर दी। ओके, देन अगेन यहाँ पर जैसे ही इसने पैरामीटर को टच नहीं किया, उससे पहले ही चेंजमेंट लिया, उससे पहले ही रेड कैंडल बना दी, देन वहाँ पर हमारा यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया, अगेन इसने अप की ओर फ्लो ले लिया। ओके, देन अगेन यहाँ पर हमारे पैरामीटर को टच किया, देन अगेन इसने रेड की ओर कैंडल देते हुए यहाँ ब्रेकआउट किया, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी देखें इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिकेटर के एप्लीकेशन में हमने जहाँ तक अप्लाई किया है यहाँ पर 3 ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड गाइस ये कि ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके, तो होप्स आप सभी को ये इंडिकेटर समझ में आ रहा होगा। एंड गाइस अगेन मैं एक ट्रेड और प्रेस करके दिखाती हूँ, वेट करते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास 50 सेकंड्स का टाइम है, एक कैंडल बनने का वेट हम और कर लेते हैं, देन हमें वहाँ से समझ में आ जाएगा कि मार्केट हमारा अगेन पैरामीटर को टच करते हुए किस डायरेक्शन की ओर फ्लो लेगा। ओके, वेट करते हैं। देन गाइस अभी हमारे पास हमारे लाइव अकाउंट में $12,587 का लाइव बैलेंस है। ओके, मतलब अब $12,000 बैलेंस है। ओके, देन यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, बहुत लंबी कैंडल बनाई है डाउन डायरेक्शन की ओर, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पैरामीटर को टच हुआ, देन यहाँ पर सीधे जाते जाते यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करते हुए सीधे बहुत डाउन डायरेक्शन की ओर मार्केट गया। ओके, ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पर मैंने 5 ट्रेड अगेन प्रेस कर दी है अप डायरेक्शन की ओर। 52 सेकंड्स है मेरे पास, वेट करते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। ओके, वेट करते हैं।
40 सेकंड्स हैं हमारे पास क्लोज पॉइंट पर। हमारी ये ट्रेड डोल रही है, वेट करेगी कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। 30 सेकंड्स हैं हमारे पास अभी। ओके, देन ये ट्रेड हमें 25 सेकंड्स हमें बताएंगे कि ये ट्रेड हमारी विन होगी कि लॉस। ओके, वेट करना है। देन ये ट्रेड हमें इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हुए, जब मैंने ट्रेड जिस जहाँ पर प्लेसेस की थी वो आप सब देख रहे हैं, किसका जो भी रिजल्ट रहेगा, जो भी रहेगा सब सामने रहेगा। ओके, बहुत ही ये ट्रेड हमारी फिलहाल विन होकर के आ चुकी है। ओके, तो गाइस ऐसे स्ट्रेटजी हमारी वर्क करती है। तो आप इंडिकेटर को अगर ठीक ठीक से अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तो आपको इजीली खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें ट्रेड कहाँ पर प्रेस करनी है, हमारा मार्केट किस डायरेक्शन की ओर जाना है। बस ये है कि आपको अपने ट्रेंड को, अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए बस ट्रेड करनी है। ओके, अब तुक्केबाजी नहीं करनी। ओके, मेरा मतलब आप समझ रहे हो। ओके, तो गाइज होप्स आप सभी को ये साइक्लिक लाइंस इंडिकेटर अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हम इनको अप्लाई करके कैसे इन पर ट्रेड कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनका फंडामेंटल क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। होप्स आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने लगभग 5000 का लगभग हमने प्रॉफिट गेन किया है। आप सभी के समक्ष मैंने लाइव प्रॉफिट गेन करके दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्ट आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। एंड गाइस अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।